this is Rohit Khitre and I'm back with another video. अगर आपने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ साथ घंटी को दबाएं. और अगर आप मेरे को अभी तक Instagram फॉलो नहीं किया तो जाए मेरे को Instagram फॉलो करें. सेम अकाउंट है रोहित खित्रे फिटनेस के नाम से. तो गाइज मुझको Instagram फॉलो करना बोले. सबसे पहले गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, क्योंकि हमारी मसल बिल्डिंग की सीरीज बहुत 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 अच्छी जा रही है. जस्ट बिकॉज आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोग इतना प्यार करते हो तो ऐसे ही प्यार करते रहे गाइज, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है मेनली वो सारी मेरी एज की है, यंग है. तो गाइज ऐसे ही प्यार करते रहे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहे अपने भाई को. तो गाइज इस वीडियो को लाइक करें, लाइक करना ना भूले सपोर्ट के लिए. तो गाइज ये है हमारी मसल बिल्डिंग मील नंबर 4, जो होगी हमारी पोस्ट वर्कआउट मील. और इस मील में गाइज आपको 2-3 चीजों की ध्यान रखना बहुत जरूरी है. एक तो आपको अपनी पोस्ट वर्कआउट मील में अपनी बॉडी को सबसे जरूरी है प्रोटीन पहुंचाना, क्योंकि आपने अपनी मसल ब्रेक डाउन की है, आपने वर्कआउट किया आपकी मसल ब्रेक डाउन किया, तो उन्हें रिपेयर करने के लिए आप उसे हाई क्वालिटी प्रोटीन पहुंचाएंगे. गाइज पनीर मत ले और ये दाल वाल मत ले, हाई क्वालिटी प्रोटीन, मतलब जो कि जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, फैट बिल्कुल ना हो, कार्ब बिल्कुल ना हो या 1-2 ग्राम हो, और जिसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड हो, ताकि आपका कंप्लीट प्रोटीन हो जाए. क्योंकि आपका कंप्लीट प्रोटीन जब तक नहीं होगा तब तक आपकी मसल बिल्ड नहीं हो सकती. दूसरी चीज़ है गाइस कार्ब्स. कार्ब्स हमें ऐसे लेने हैं जो कि बहुत ही स्लो डाइजेस्टिव हो. क्यों? क्योंकि वर्कआउट करने के बाद हमारी जो बॉडी में है, जो हमारी मसल और लीवर से जो एनर्जी है, मसल टैंक हमारे लीवर टैंक बिल्कुल खाली हो जाते हैं, तो हमारे अंदर अब एनर्जी नहीं बची है. हम क्या करेंगे, हम एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करेंगे. ये देखो बच्चे यहाँ के, तो गाइस वर्कआउट के बाद हमारे मसल और लीवर टैंक बिल्कुल खाली हो जाते हैं. उन्हें फुल करने के लिए हम उसे स्लो डाइजेस्टिव कार्ब्स देंगे और हमारी मसल रिपेयर के लिए हम उसे हाई क्वालिटी प्रोटीन देंगे. तो गाइस वर्कआउट के बाद जो आपको यूज करना है, जो न्यूट्रिएंट होगा वो फूड होंगे आपके, वो होंगे ओट्स दोबारा, और आपको यूज करना है 1 स्कूप प्रोटीन. आपके पास अगर प्रोटीन नहीं है गाइज, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एग व्हाइट खाएं, क्योंकि एग व्हाइट्स में ओनली प्रोटीन है. आप 7 एग व्हाइट्स खाएं ताकि आपको प्रोटीन, जितना इस प्रोटीन सप्लीमेंट में प्रोटीन है आपको उतना एग व्हाइट से मिल जाए. तो गाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसके पास प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं भी है तो वो 7 एग व्हाइट्स खा सकता है, और जिसके पास प्रोटीन सप्लीमेंट है तो बेस्ट इसका यूज है आफ्टर योर वर्कआउट. तो गाइज वर्कआउट के बाद हमारे मसल और लीवर टैंक बिल्कुल खाली हो जाते हैं. उन्हें फुल करने के लिए हम उसे स्लो डाइजेस्टिव कार्ब्स देंगे. उसके लिए हमें क्या यूज करना है पोस्ट वर्कआउट मील में, वो होगा ओट्स. ओट्स हमने फर्स्ट मील में भी यूज किए थे और हमें पोस्ट वर्कआउट में भी यूज करने हैं, क्योंकि ये स्लो डाइजेस्टिव है, हमारे धीरे धीरे एनर्जी पहुंचाएंगे और हमारे मसल और लीवर टैंक बिल्कुल फुल कर देंगे विदाउट गेटिंग एनी फैट. गाइज जो सबसे जरूरी चीज है मसल बिल्डिंग के लिए वो है प्रोटीन. तो मैं 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन यूज कर रहा हूँ. आप लोगों के पास अगर प्रोटीन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है गाइज, मेरे पास भी प्रोटीन नहीं हुआ करता, इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मैं क्या यूज करता था गाइस 7 एग व्हाइट्स यूज करता था, ताकि जितना प्रोटीन मैं यहां से ले रहा हूं उतना ही प्रोटीन मेरे को एग व्हाइट से मिल सके. गाइस कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास प्रोटीन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एग व्हाइट्स यूज कर सकते हो. और जिसके पास प्रोटीन है तो सबसे बेस्ट यूसेज है वो है आफ्टर योर वर्कआउट. तो गाइज इसका जो न्यूट्रिशन फैक्ट है वो मैं बता देता हूँ, जिसके मैक्रोस क्या होंगे. गाइज प्रोटीन में 1 स्कूप में लगभग 24-25 ग्राम प्रोटीन होता है, और आपके कार्ब्स होंगे इसमें लगभग अराउंड 30-35 ग्राम, क्योंकि लगभग 50 ग्राम के आसपास ओट्स लेने हैं आपको, और इसमें फैट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर योर वर्कआउट जब आप प्रोटीन दे देते हो, कार्ब देते हो, तो फैट की बिल्कुल जरूरत नहीं है. ठीक है गाइस, तो गाइस ये है हमारी पोस्ट वर्कआउट मील, जिसमें मैं कंज्यूम करूंगा ओट्स और प्रोटीन पाउडर. कभी भी प्रोटीन पाउडर दूध में मत ले, अपना हमेशा पानी के साथ ले. तो ये है हमारी पोस्ट वर्कआउट मील. गाइस हमारी सीरीज ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है, 1 मील रह गई है. थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट गाइस, ऐसे ही प्यार करते रहे. और मैं अपनी जो वर्कआउट की सीरीज है वो भी बिल्कुल लॉन्च कर दूंगा, सारे day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहे. तो ये थी मेरी आज की वीडियो गाइस, लाइक करना ना भूले वीडियो को, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, साथ बजाय तोड़ दे सब्सक्राइब होना चाहिए. और अगर आपने इंस्टाग्राम पे सपोर्ट नहीं किया अभी तक, इंस्टाग्राम फॉलो करें, सेम अकाउंट रोहित खित्रे फिटनेस के नाम से. लर्न नॉट पीस गेम्स, लव यू ऑल.